हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में यूजुअली हमें एक स्टेटमेंट uh, प्रिपेयर करना है और उस स्टेटमेंट में हम क्या प्रिपेयर करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट अबाउट अ ट्रांसपोर्ट कंपनी हो या फिर होटल है ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं बट सिमिलरली अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल एमसीक्यू बेस एग्जाम है फिर भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को थोड़े सॉल्व करके देखेंगे कि इससे रिलेटेड अगर कोई आपके एमसीक्यू बन गए तो यू शुड हैव एन ओवर व्यू यू शुड हैव एन है अबाउट द कैल्कुलेशन की किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है सारी चीजें देखेंगे एक एक करके तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन इस पूरे पार्ट से रिलेटेड है तो क्वेश्चन नंबर वन जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्ट तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड कि ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के कॉस्ट होते हैं एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट जिसे हम फिक्स चार्जेस या स्टैंडिंग चार्जेस के बेसिस पे जानते हैं एंड सेकेंड होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल चार्जेस या जिसे हम रनिंग कॉस्ट के बेसिस पे जानते हैं तो so, अगर हम ये क्वेश्चन को देखें तो मिस्टर संजय के बारे में बताया है मिस्टर संजय ओन्स टेन टैक्सी एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल सो संजय के पास दस टैक्सी है और आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है नंबर ऑफ टैक्सीज कितना है टेन है और कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सी है फिफ्टी फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तो एक टैक्सी का कॉस्ट है फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड ध्यान रखना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सबसे पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन

वो दस टैक्सी का दिया हुआ है ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे भी लिखा है मिस्टर संजय ओन्स टेन टैक्सी तो नंबर ऑफ टैक्सी कितने हैं उसके पास दस है लेकिन एक टैक्सी की कॉस्ट दी है और ये जो भी एक्सपेंसेस दिया है वो टेन टैक्सी का दिया हुआ है दिस इज ऑफ टेन टैक्सीज तो सैलरी ऑफ मैनेजर सैलरी ऑफ अकाउंटेंट सैलरी टू क्लीनर सैलरी टू मैकेनिक गैरेज रेंट एनुअल टैक्स ड्राइवर सैलरी बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल फिर टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी इज टू लैख किलोमीटर ध्यान रखना जो भी टोटल लाइफ दिया रहता है उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं उससे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो आपने आपके प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है डेप्रीसिएशन का एक फॉर्मूला डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है काफी सिंपल क्या करना है हमको ओरिजिनल कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करना है और उसको डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ के साथ तो अभी करेंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो टैक्सी रन करता है थ्री थाउजेंड किलोमीटर इन अ मंथ एक महीने में टैक्सी जो है वो तीन हजार किलोमीटर जाता है थर्टी परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इट रन विदाउट पैसेंजर थर्टी परसेंट जो है वो विदाउट पैसेंजर टैक्सी रन होता है फिर पेट्रोल कंजम्पशन है वन लीटर फॉर एवरी टेन किलोमीटर और रेट बहुत सस्ता है इधर बहुत सस्ता पेट्रोल दिख रहा है आपको फोर पॉइंट फोर्टी वन पर लीटर अभी देखा होगा आपने पेट्रोल तो काफी महंगा है इट्स एट अराउंड नाइन्टी बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पेट्रोल बहुत सस्ता है ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसिस रुपीज वन पर हंड्रेड किलोमीटर एट रेट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ टैक्सी अ टैक्सी मतलब वन टैक्सी एक टैक्सी को सॉल्व करना है एक टैक्सी का आपको पर इफेक्टिव किलोमीटर कैलकुलेशन करना है तो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ध्यान से पहले मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं देखो आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है सबसे पहले वी हैव टू राइट स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ ठीक है स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ लेकिन हमें टैक्सी का कैलकुलेट करना है एक टैक्सी का कैलकुलेट करना है और क्वेश्चन में दस टैक्सी का इंफॉर्मेशन दिया है तो अभी देखते हैं देखो सबसे पहले फिक्स चार्जेस को हमने नाम दिया था स्टैंडिंग चार्जेस तो जो भी चार्जेस फिक्स है सैलरी टू मैनेजर ये फिक्स है कितना दिया था क्वेश्चन में सेवन हंड्रेड तो मैंने क्या किया सेवन हंड्रेड को दस से डिवाइड किया अब ये दस क्या है ये जो संजय है इसके पास कितनी टैक्सी है दस टैक्सी है और हमें कितने कैलकुलेशन करना है एक टैक्सी का करना है तो सात सो को अगर हम दस से डिवाइड करेंगे तो हमें एक टैक्सी का इंफॉर्मेशन आएगा तो ये यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में मैं लिखूंगा सेवेंटी रुपीज फिर सिमिलरली सैलरी टू अकाउंटेंट पांच सो को फिर से दस से डिवाइड करना है यहाँ पे आ जाएगा छोटा छोटा अमाउंट है फिफ्टी रुपीज फिर गैरेज रेंट सिक्स हंड्रेड दिया है उसको भी मैं टेन से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटी रुपीज फिर एनुअल टैक्स एनुअल टैक्स अगर आप देखो तो 900 पर एनम दिया है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट एनुअल टैक्स क्या दिया है 900 पर टैक्सी दिया है एक बार चेक कर लो देखो ना जो एनुअल टैक्स है दैट इज 900 पर टैक्सी मतलब ये एक टैक्सी का ही है ठीक है एक टैक्सी का ही एनुअल एनुअल का मतलब पूरे साल का नौ तो सौ रुपया पूरे साल का है हमको नौ पूरे साल का चाहिए ही नहीं हमको एक महीने का चाहिए इसलिए नौ सौ को मैंने डिवाइड बाय ट्वेल्व किया है यहाँ पे टेन क्यों नहीं किया बिकॉज वो सिंगल टैक्सी का ही है तो नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व करेंगे तो यू विल गेट दी आंसर है सेवेंटी फाइव तो यहाँ पे लिखता हूँ सेवेंटी फाइव नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम तो इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में क्या बोला था कि इट इज फाइव परसेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ द टैक्सी तो फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड ये टैक्सी की वैल्यू है उसके ऊपर फाइव परसेंट कैलकुलेट करोगे तो पूरे साल का आएगा हमको पर मंथ का चाहिए पर मंथ काफी इंपॉर्टेंट हमें पर मंथ का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव तो मैं पॉइंट भी लिख रहा हूं नेक्स्ट इज अवर इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन तो हाउ टू कैलकुलेट दिस तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ तो यहाँ पे स्क्रैप वगैरह कुछ होता नहीं है देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है टैक्सी की देख लो ओरिजिनल कॉस्ट है फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड लाइफ कितनी है हमारी टैक्सी की दो लाख किलोमीटर और टैक्सी एक महीने में कितना चलता है थ्री थाउजेंड किलोमीटर तो इसको प्रेजेंट कैसे करने का ध्यान से समझना डेप्रिसिएशन कैसे लिख रहा हूं मैं यही इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड हमारे टैक्सी का वैल्यू डिडेड बाय टोटल किलोमीटर उसकी लाइफ तो लाइफ कितनी है उसकी दो लाख किलोमीटर उसकी लाइफ है मल्टीप्लाइड बाई एक महीने एक महीने में वो टैक्सी कितना किलोमीटर चलता है तीन हजार किलोमीटर चलता है तो फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड क्या करना है आपको फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू लैक्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री थाउजेंड ध्यान से सोल्व करना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो कितना आएगा आंसर फिफ्टी फोर सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लैक्स इंटू थ्री थाउजंड कैलकुलेट करके देखो तो आपको मिलेगा आंसर एट हंड्रेड एंड नाइनटीन वो हमारा डेप्रिसिएशन है तो आफ्टर राइटिंग ऑल दिस पॉइंट्स वी विल बी टेकिंग द टोटल ऑफ दिस तो इसका टोटल हमें करना है एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उस टोटल को हम लिखेंगे हमारे सेकेंड कॉलम में और उसको नाम देंगे वन थ्री जीरो वन पॉइंट फाइव तो दिस इज यूर टोटल फिक्स चार्जेस तो ये जो टोटल फिक्स चार्जेस है दैट इज योर अल्फाबेट एट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल स्टैंडिंग चार्जेस तो टोटल फिक्स चार्जेस हमें मिल गए अब हम वेरिएबल चार्जेस पे जाएंगे वेरिएबल का मतलब होता है जैसे जैसे रनिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये टैक्सेस या ये जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ते जाएगी तो वो कॉस्ट पूरे के पूरे आपके व्हीकल्स के रनिंग के ऊपर डिपेंड करता है तो सबसे पहला पॉइंट है सैलरी ऑफ क्लीनर जो टैक्सी होती है उसके साथ एक क्लीनर है जैसे ट्रक के साथ एक क्लीनर होता है उसका तो वो भी टैक्सी पे डिपेंड है दो सौ रुपए दिया है तो दस टैक्सी को डिवाइड करेंगे दो सौ डिवाइडेड बाय दस तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर बीस ठीक है काफी सिंपल कैलकुलेशन है सैलरी ऑफ द मैकेनिक अगेन फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन वी आर डूइंग तो यहाँ पे भी आपको टेन टैक्सी का इंफॉर्मेशन एक टैक्सी का चाहिए चालीस ड्राइवर तो सैलरी ड्राइवर सैलरी अगर हम ध्यान से देखें तो 350 पर टैक्सी दी है 350 सौ पचास पर टैक्सी अगर पर टैक्सी है मतलब एक ही टैक्सी का है तो फिर डिवाइड क्यों करने का तो सबसे सिंपल यही आपको एक टैक्सी का हमको भी एक टैक्सी का ही ढूंढना है तो 350 सौ मैंने लिख दिया फिर एनुअल रिपर्स एनुअल का मतलब होता है पूरे साल का थाउजेंड दिया है क्वेश्चन में थाउजेंड को टेन से डिवाइड नहीं करेंगे बारह से डिवाइड करेंगे तो फिर एक टैक्सी का आ जाएगा एक महीने का इसका आंसर आपको मिलेगा एट्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री दैट इज वेरिएबल आगे बढ़ते हैं और भी काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है तो ध्यान से अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल और पेट्रोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा देखो पेट्रोल के लिए क्या है अस रीड द क्वेश्चन सेकेंड लास्ट लाइन थर्ड लास्ट लाइन पढ़ते हैं पेट्रोल कंजम्पशन इज वन लीटर फॉर एवरी टेन किलोमीटर एट द रेट फोर पॉइंट फोर्टी वन 4.41 पर किलोमीटर देखो कैसे करना है सबसे सिंपल कैलकुलेशन है आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो इट्स विल बी वेरी इजी इसलिए मैंने इंफॉर्मेशन लिखा नहीं है देखो पेट्रोल सबसे पहले वन लीटर है ठीक है वन लीटर मैंने लिया वन लीटर डिवाइडेड बाय कितने किलोमीटर है टेन किलोमीटर से वन लीटर में दस किलोमीटर जाता है मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है रेट तो कितने का था पेट्रोल फोर पॉइंट फोर्टी वन रुपीज का था लेकिन हमारी जो टैक्सी है वो टोटल किलोमीटर्स कितना जाती है एक महीने में तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया था टोटल किलोमीटर्स थ्री थाउजेंड जाती है तो इसको आपको सॉल्व करना है लीटर में दस किलोमीटर जाती है एक लीटर का रेट है फोर पॉइंट फोर्टी वन ऐसे हमारी टैक्सी जाती है टोटल किलोमीटर्स पर मंथ में थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा वन थ्री टू थ्री आई होप दिस पेट्रोल कैलकुलेशन इज क्लियर टू यू अगेन वी विल बी सॉल्विंग फॉर डीजल इन द सेम फॉर्मेट या रिलेटेड सन्ड्री एक्सपेंसेस देखो ऑयल एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज वन पर हंड्रेड फाइव जैसा अभी किया वैसा ही करना है वन पर हंड्रेड किलोमीटर्स क्या बोल रहा है वन पर हंड्रेड किलोमीटर्स तो वन पर हंड्रेड किलोमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या दिया था आपको रेट दिया है टेन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाय आपकी टोटल टैक्सी कितना किलोमीटर जाती है अगेन सेम थ्री थाउजेंड किलोमीटर्स आपकी पूरी टैक्सी एक महीने में जाती है मल्टीप्लाई करना है इसको ध्यान से प्रॉपरली डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा तीन सौ पंद्रह अभी जो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमने लिखे उन सबको ऐड करना है जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या था ट्वेंटी फोर्टी थ्री फिफ्टी एट्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री एंड द नेक्स्ट पॉइंट विल बी वन थ्री टू थ्री थ्री वन फाइव तो अगर आप इन सभी को ऐड करोगे सो यू विल गेट द आंसर एज टू वन थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री दिस इज वॉट दिस इज योर टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस या वेरिएबल चार्जेस जिसको हम रनिंग चार्जेस भी कहते हैं तो फर्स्ट वाला था हमारा फिक्स कॉस्ट दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग चार्जेस एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रनिंग चार्जेस अभी हम क्या करेंगे जो हमारा फिक्स चार्जेस था और जो हमारा वेरिएबल एक्सपेंस था उनको हम ऐड करेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ देखो ए प्लस बी जो ए का है वो और बी का है वो हमें ऐड करना है तो वी विल बी गेटिंग आंसर एज तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जगह पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट वही हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बनेगा थ्री फोर बी टू पॉइंट एट थ्री थ्री फोर थ्री टू पॉइंट एट थ्री तो इतना हमारा कैलकुलेशन हो गया अभी आगे जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर किलोमीटर ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट इसके नीचे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कॉस्ट पर किलोमीटर कॉस्ट पर किलोमीटर मतलब कितना आपका कॉस्ट लगेगा पर किलोमीटर सिंपल है देखो आपकी जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी उसको हम डिवाइड करने वाले हैं इफेक्टिव किलोमीटर्स के साथ अभी पूरे ये चैप्टर में इफेक्टिव किलोमीटर्स कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है देखो इफेक्टिव किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट होता है वो भी बताता हूँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में यहां पे दिखाता हूँ देखो हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव किलोमीटर्स वी नीड टू कैलकुलेट इफेक्टिव किलोमीटर्स कैसे करने का सबसे सिंपल है देखो हमारा टोटल किलोमीटर मतलब जो टैक्सी है एक महीने में कितना किलोमीटर जाता है तो आपको क्वेश्चन में दिया था कि एक महीने में टैक्सी थ्री थाउजेंड किलोमीटर जा रहा है लेकिन आपको एक दूसरी चीज भी कैलकुशन में बताई थी कि वो जो टैक्सी है वो थर्टी परसेंट एम जाता है मतलब थर्टी परसेंट वो जो टैक्सी है पे कभी भी कोई पैसेंजर्स नहीं होते थ्री तो थाउजेंड का थर्टी आप अगर ढूंढोगे तो गेट ये नाइन हंड्रेड तो अगर हम 3000 में से 900 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2100 यही हमारा आंसर है दैट इज इफेक्टिव किलोमीटर्स यह है इफेक्टिव किलोमीटर्स अगर आपको 30% परसेंट एम नहीं दिया रहता तो सीधा हम 3000 लिखते थे अभी देखो सबसे सिंपल है डिवाइड कर लेंगे और फिर आंसर ढूंढ लेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना मिला था हमें थ्री और इफेक्टिव किलोमीटर हमने कितना ढूंढा अभी 2100. तो आपको फिर कॉस्ट पर किलोमीटर मिलेगा मतलब एक किलोमीटर की टैक्सी की कॉस्ट कितनी है किलोमीटर ध्यान से काफी बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो इफ इट इज आस्क इन दीक्यूज इट विल बी ए शॉर्ट पार्ट लेकिन अगर बड़े लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे जैसे पहले ऑफलाइन के बेसिस पे जो एग्जाम्स होती थे में इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट छे जाते हैं तो ध्यान से आपको याद रखना है स्टैंडिंग चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल चार्जेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रनिंग कॉस्ट आई होप दिस क्वेश्चन नंबर वन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू वेरी मच अगले बार मिलेंगे नए पॉइंट के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर